नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, ये बेला, बेली, चमेली, मोगरा, ये मोगरा का सीजन आपका आ गया है। और ये मोगरा का फूल जो है गर्मी के सीजन में सबसे शानदार फूल है। ये भगवान नारायण को भी चढ़ता है। बहुत सारे शादी में भी आप लोग देखते हैं कि, और ये गजरा बनाया जाता है ये मोगरा से। मोगरा एक ऐसा फूल है कि आपको सबसे सेंटेड, सबसे ज़्यादा खुशबूदार अगर कोई फूल है तब ये मोगरा है। मोगरा या फिर चमेली या फिर अरेबियन जैस्मिन भी कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स का पाया जाता है। इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है, इतनी सुंदर होती है, कम से कम भी 30 फुट दूर तक आपको सेट पता चलेगा इसका। शाम के वक्त ये फूल खिलता है, शाम के वक्त इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू आती है, इतना सेंटेड होता है ये फूल, सबसे सुंदर है। और मैं आपको बताऊँ कि ये सबसे हार्डिएस्ट फ्लावर है। सबसे ज़्यादा इसका जो तना है ये देखने में ऐसा लग रहा है इतना हार्ड है, आप इसकी गर्मी, ये गर्मी का सहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। ये अरेबियन देश का फूल है, अरब का साइड का, और इसका 40, 45, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आप इसको फूल पाएंगे। और मैं आपको एक तरकीब दिखाता हूँ, आज किसी ने आज तक नहीं बताया, नर्सरी वाले ये चीज़ डालते हैं। और इससे क्या होता है, इसका जो है तना बहुत हार्ड होता है और इसमें ज़्यादा फूल आते हैं, फूल की साइज़ बड़ी होती है और उसमें खुशबू भी ज़्यादा रहती है, खुशबू ज़्यादा आती है, ज़्यादा देर तक खुशबू टिकती है, फूल भी ज़्यादा देर टिकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगा कौन सा मिक्सचर, कौन सा खाद डालें। वैसे आप चाहे तो मिक्सचर खाद बना सकते हैं, उसमें यूरिया, DAP डाल के उसके साथ बोन मील, हॉर्न मील, लेदर मील, आपका स्टेरा मील, इस तरह का डाल के आप मिक्सचर खाद बना सकते हैं। वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा, पिछले टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया था। लेकिन सबसे आसान, सबसे सस्ता, एक चम्मच आप डालेंगे। एक चम्मच डालने से आपको, महीने में एक बार एक चम्मच डालेंगे, कैसे एक चम्मच डालेंगे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट डालेंगे वो मैं बताता हूँ। सिर्फ एक चम्मच डालिए कोई भी मोगरा के फूल में, मोगरा, चमेली, अरेबियन जैस्मिन, जो भी है। और ये देखिए, करीब इसमें फूल नहीं आ रहा था, हमने ये एक चम्मच डाला है पिछले एक महीने में। और एक बात बताता हूँ आपको, अगर फूल लेना है तो आपको नई टहनी चाहिए। अगर नई टहनी कैसी आएगी आपको, अगर आपको फरवरी महीने में, आप इसका देखिए, इस तरह से यहाँ से कटिंग कर दिया था हमने, और ये देखिए सारे नए पत्ते हैं। और जितनी नई टहनी आएगी उसमें नए नए ब्रांचेस आएंगे, उसमें इतनी सारी कलियाँ, देखिए कितनी सारी कलियाँ, ये बढ़ गई है पूरी कलियाँ से। और सिर्फ देखिए ये सारे नए पत्ते हैं, पुराने पत्ते में देखिए फूल कम आते हैं, बहुत कम। अगर नए पत्ते होंगे उसमें फूल ज़्यादा आते हैं, ये देखिए पुराने पत्ते में आपको फूल कम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रूनिंग कर देना है। ये प्रूनिंग करना है आपको फरवरी मार्च में, कोई भी टाइम प्रूनिंग कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से नया ब्रांचेस आएंगे और उसके बाद आपका फूल खिलेगा। आपके साथ उसके साथ खाद क्या डालना है ये मैं आपको बता दूँ। पहले मैं बता दूँ, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये आपको नर्सरी में मिल जाएगी, ये आपको परिचय नहीं होगा। इसका नाम है जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम। इसका कंपोनेंट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि इसमें कैल्शियम है, सल्फर है, और एक मॉलिक्यूल का साथ दो मॉलिक्यूल वाटर है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये कोई भी नर्सरी के दुकान में आपको मिल जाएगी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका नाम है जिप्सम। ये सॉयल को, मैन्योर को हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज है, ये माइनिंग से निकलता है, इसका प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 30-40 रुपये किलो में आपको नर्सरी में मिल जाएगी। आप एक पाव ले लेंगे तो एक साल आपका काम चल जाएगा, यानी कि सिर्फ 10 रुपया में आप जिप्सम ले लें। और जिप्सम का प्रयोग कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी मात्रा में करना है ये भी आप दिखाता हूँ। तो ये हो गया कैल्शियम और सल्फर का सोर्स, ये आपको डालना है कितना वह मैं आपको दिखाता हूँ। उसके साथ आप मिलाइए, इसमें क्या होगा, कैल्शियम और सल्फर से क्या होगा, इसमें जो फूल है काफ़ी ज़्यादा दिन टिकेगी और इसका तना स्ट्रांग होगा। जितना तना स्ट्रांग होगा उसने नए नए ब्रांचेस आएंगे, फूल ज़्यादा आएंगे। और फूल लाने के लिए और एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, इसका नाम है सुफोला, NPK सुफोला। इसका फॉर्मूला है 10-26-26, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसमें 10 भाग नाइट्रोजन है और 26 भाग इसमें फॉस्फोरस है और 26 भाग इसमें पोटेशियम है। और नाइट्रोजन क्या करता है, इसमें नए नए पत्ते लाने में हेल्प करता है। और फॉस्फोरस क्या होगा, इसके जो रूट सिस्टम है इसका बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। कोई भी फूल के पौधे में, कोई भी फल के पौधे में अगर रूट सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, यानी कि शूट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। और जितना शूट सिस्टम डेवलप करेगा उसमें आपका फूल भी उतना ज़्यादा आएगा, इसलिए आपको फॉस्फोरस भी बहुत चाहिए। और फूल और फल के लिए आपको चाहिए पोटेशियम। तो ये तीनों मात्रा में है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, 10-26-26। इसका नाम है सुफोला, कोई भी नर्सरी में कहेंगे आप वो आपको दे देंगे। इसका भी करीब 30-40 रुपये किलो में आता है, एक पाव ले लेंगे 10 रुपये में, आपका साल भर चल जाएगा। अब क्या करना है, ये जो दोनों चीज़ है इसको समान मात्रा में लेकर आपको मिला लेनी है। ये देखिए,
इसको मिला लिया। तो ये जो है एनपीके सुफला, अगर आपके पास एनपीके सुफला नहीं आता है आपके यहाँ, तब आप एनपीके 20-20-20 भी ले सकते हैं, एनपीके 19-19-19 भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, एनपीके 19-19-19 एनपीके 20-20-20 का प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, 150-200 रुपये किलो आता है, यह आएगा सिर्फ 30-40 रुपये किलो। तो इससे यह काफ़ी सस्ता पड़ेगा और इसमें बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप मिक्सर कर लीजिए, मिक्सर करिए समान मात्रा में, और इसको करके आप एक डब्बे में बंद कर लीजिए। आपको मैं बता दूं, इसका जो सुफोला है ये बहुत हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि बाहर रखेंगे तो इसमें पानी अब्जर्ब कर लेता है। तो इसलिए क्या होता है, आपको कोई प्लास्टिक के डब्बे में अच्छी तरह से बंद करके इसको रख दें। जब भी आपको महीने में एक बार आप इस तरह से कोई खुरपी या कोई लीजिए निरानी के लिए, इस तरह से लीजिए, ये लेके आपको क्या करना है, मिट्टी में इस तरह से खोद देना है, खुदाई कर देनी है। मिट्टी हमने अलग कर ली, ये पिछले टाइम इसमें फूल नहीं आ रहा था, हमने इसमें डाला तो इसमें क्या होगा, काफ़ी अंतर आ गया, थोड़ी सी ऊपर की रूट कट भी जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, थोड़ी सी हमने मिट्टी को अलग कर लिया है क्योंकि ये खाद देने में आसान होगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो एक चम्मच इसमें लेंगे, ये चाय की चम्मच की एक चम्मच लेके चारों तरफ से इसको चारों तरफ से ऐसे दीजिए और बता दूं कि ये महीने में एक चम्मच ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा देंगे तो केमिकल खाद है इसमें, जो 10-26-26 ये केमिकल खाद है, और जो जिप्सम है वो नेचुरल है, वो माइन से निकलता है, तो उसमें कोई नुकसानदेह एक चीज़ नहीं है। लेकिन आप केमिकल खाद हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसलिए एक चम्मच ही डालेंगे। और ये डालने के बाद आपको क्या करना है, पानी डाल देना है। जब भी आप कोई भी केमिकल खाद डालें या फिर इस तरह के मिक्सचर डालें, उसमें पानी ज़रूर डालें। और इसके बाद आपको एक महीने तक कोई खाद नहीं डालना है, और इसका रिजल्ट आपको 7 दिन में पता चल जाएगा। ये जो मिक्सचर मैंने बताया, किसी नर्सरी वाले ने आज तक आपको डाइवल्ज नहीं किया है, ये जो नर्सरी सीक्रेट है मैंने बता दिया। और ये बहुत सस्ती चीज़ है, ये जिप्सम आपको बहुत सस्ती चीज़ है और ये बहुत टिकाऊ चीज़ है। ये कोई भी फूल में, कोई भी फल के पौधे में आप दे सकते हैं, कोई भी यहाँ तक कि आप सब्जी के पौधे में भी दे सकते हैं, जहाँ पर हार्डनेस की ज़रूरत है, जहाँ पर तना मोटा करने की, नए नए ब्रांचेस आने की ज़रूरत है, सल्फर की ज़रूरत है, तब आप इसको जिप्सम को प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ एनपीके 10-26-26 बहुत आपका अच्छा काम करेगा। ये देखिए, ये अभी आए, अभी खिलेगा और काफ़ी दिन तक ये फूल टिकेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।